नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने YouTube चैनल जीके महाकुंभ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की आज की सीरीज़ में हम लोग पूर्व की ही भांति जो है 50 प्रश्नों को देखेंगे। आई होप कि ये सीरीज आपके लिए जो है बहुत ही उपयोगी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसके पूर्व भी 43 वीडियो जो है वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की जो है डाली जा चुकी है, और 55 वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की डाली जा चुकी है। साथ ही साथ लाइब्रेरी साइंस से स्टडी मटेरियल, चाहे वो डी लिप की हो, बी लिप की हो, या सी लिप या एम लिप की हो, सब कुछ जो है चैनल पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर समथिंग 25 जो है अपलोड कर दिया गया है, तो उसको भी देखना ना भूलिए। अगर आपको लगता है कि जीके जीएस की भी तैयारी आपको साथ ही साथ करनी चाहिए, क्योंकि जो है राजस्थान जीके और जो है बिहार में जो सेट का एग्ज़ाम होगा लाइब्रेरी साइंस का, उसमें जो है सामान्य ज्ञान आपको देखने को मिलेगा, तो उसकी भी तैयारी यही सोच के उसकी भी तैयारी जो है चालू कर दी गई है, तो उसे भी आप लोग देखना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन जो है व्यवसाय में थे, यानी कि डॉक्टर रंगनाथन का व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, उत्तर है वह लेखक भी थे और मैथमेटिक्स भी थे, लाइब्रेरियन भी थे और शिक्षक भी थे। आगे है, इन चारों में से अगर कोई दे रहा है तो ये यानी कि एक ही देगा, ध्यान दीजिएगा, गणितज्ञ दे देगा, लाइब्रेरियन दे देगा, कुछ भी दे देगा, ये चारों में से एक देगा। आगे है, रंगनाथन ने मैट्रिक की परीक्षा कब तथा किस स्कूल से उत्तीर्ण की थी? तो 1908 में हिंदू हाई स्कूल से किया था। आगे है, जो कि सरदोपट्टी में करके था। आगे है तीन नंबर, रंगनाथन ने बीए की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो बीए जो है इन्होंने 1913 में किया था। अगला है, रंगनाथन ने एमए की उपाधि कब प्राप्त की थी? 1916 में। आगे है पाँच नंबर, रंगनाथन द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन कब बने? 1924 में बने। छः नंबर, रंगनाथन अध्ययन के लिए लंदन कब गए तथा वापस कब आए? तो सितंबर 1924 में गए तथा जुलाई 1925 में वापस आ गए। सात नंबर है, रंगनाथन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन कब से कब तक रहे? तो उत्तर है 1945 से 1947 तक। अगला प्रश्न, आठ नंबर, रंगनाथन ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य कब से कब तक किया? तो उत्तर है 1947 से 1954 तक। अगला प्रश्न, नौ नंबर, रंगनाथन फिड के वर्गीकरण रिसर्च ग्रुप के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? तो 1950 से 1962 तक रहे। दस नंबर, रंगनाथन फिड के उपाध्यक्ष कब बने? तो राइट आंसर 1958 से 1961 तक। अगला प्रश्न, ग्यारह नंबर, रंगनाथन ने फिड के लिए कितने शोध रिपोर्ट तैयार की थी? तो 12। बारह नंबर है, रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष कब बने? तो 1958 में बने। अगला प्रश्न है, तेरह नंबर, रंगनाथन किस संस्था के मानद प्रोफेसर रहे तथा कब से कब रहे? तो राइट आंसर है DRTC के द्वारा जो है 1962 से 1972 तक रहे, और DRTC की स्थापना भी इन्होंने ही की, उद्घाटनकर्ता जो है CD देशमुख थे। चौदह नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चौदह नंबर है, रंगनाथन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा दान कब तथा कितने रुपए दान किया था? तो राइट आंसर 1957 में 1,00,000 रुपये दान किया था। अगला प्रश्न है, पंद्रह, यह दान किस विश्वविद्यालय को किया था? तो मद्रास विश्वविद्यालय को यह दान किया था। अगला प्रश्न है, रंगनाथन नेशनल रिसर्च प्रोफेसर, यह थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग, ध्यान दीजिएगा, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में उनका अधिकांश वेतन और उनकी पुस्तकों पर रियल्टी को कहाँ दान करते थे? तो श्रीलेश को करते थे। अगला प्रश्न है, सॉरी, SRELS का पूरा नाम क्या है? तो शारदा रंगनाथन एंडोरमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, जो कि बेंगलुरु में अपनी पत्नी के नाम पे इन्होंने इसे स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, श्रीलेश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है 1961 में बेंगलुरु, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। अगला है,
भारत सरकार व कर्नाटक सरकार ने श्रीलेश को चैरिटेबल एंडोरमेंट के रूप में पंजीकृत किया तो 1963 में। अगला प्रश्न, जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का प्रकाशन कौन करता है तो श्रीलेश करता है। अगला प्रश्न है, श्रीलेश की पत्रिका का सर्वप्रथम नाम क्या था तथा इसकी शुरुआत कब हुई थी तो राइट आंसर है लाइब्रेरी साइंस विथ अ साइलेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज 1988 में। अगला प्रश्न है, श्रीलेश की पत्रिका का नाम परिवर्तित कब हुआ तो 2000 में। आगे देखते हैं 23 नंबर, श्रीलेश की पत्रिका का वर्तमान नाम क्या है तो उत्तर है श्रीलेश जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। 24 नंबर है, श्रीलेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न 25 नंबर, रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट कब तथा किसके सम्मेलन में जारी किया गया था उत्तर है 30 अगस्त 1992 में इफ्ला के सम्मेलन में नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न 26 नंबर, रंगनाथन पर डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था तो सीरी फोर्ट सभागार न्यू दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, रंगनाथन की मृत्यु कहाँ हुई थी बेंगलुरु में हुई थी। 28 नंबर, रंगनाथन के बचपन के गुरु कौन थे तथा यह रंगनाथन को क्या पढ़ाते थे तो राइट आंसर है एडवर्ड बी रोस और गणित पढ़ाते थे। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के जीवन भर पसंदीदा या फेवरेट कह लीजिए गुरु कौन थे तो एडवर्ड बी रोस थे। 30 नंबर है, रंगनाथन ने अपनी पुस्तक द फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसको समर्पित किया उत्तर है अपनी पत्नी को समर्पित किया। अगला प्रश्न है 31 नंबर, मद्रास विश्वविद्यालय का पहला लाइब्रेरियन कौन था तथा कब नियुक्त हुआ तो राइट आंसर है एस आर रंगनाथन 1924। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में रंगनाथन के गुरु कौन थे तो डब्ल्यू सी बी सियर्स थे। अगला है, रंगनाथन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा राय साहब का खिताब कब प्रदान किया गया 1935 में। आगे देखते हैं, फिड ने रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय और सूचना विज्ञान वैज्ञानिक का माननीय सदस्यता से कब सुशोभित किया तो 1957 में किया। आगे देखिए 35 नंबर, रंगनाथन को डी लीट की उपाधि कितनी बार प्रदान की गई तो राइट आंसर 2 बार। अगला प्रश्न है, रंगनाथन को दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा डी लीट की उपाधि कब प्रदान की गई थी तो 1948 में। आगे देखिए 37 नंबर, रंगनाथन को पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा डी लीट की उपाधि कब प्रदान की गई थी तो 1964 में। अगला प्रश्न है 38 नंबर, रंगनाथन लाइब्रेरी साइंस के नेशनल रिसोर्स प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त हुए 1965 में। आगे देखिए, रंगनाथन को मार्गरेट मान अवार्ड कब तथा किसके द्वारा प्रदान किया गया तो राइट आंसर है 1970 में ALA के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न 40 नंबर, यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है तो राइट आंसर वर्गीकरण तथा सूचीकरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, एस आर रंगनाथन को ग्रेट नाइट ऑफ प्रिंस अवार्ड कब तथा किस सोसाइटी के द्वारा प्रदान किया गया राइट आंसर है 1971 में मार्क दविन सोसाइटी USA के द्वारा किया गया था। 42 नंबर है, रंगनाथन भारतीय पुस्तकालय संघ ILA के अध्यक्ष कब से कब तक रहे तो राइट आंसर है 1944 से 1953 तक। अगला प्रश्न है, मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई तथा किसने की थी तो राइट आंसर है 3 जनवरी 1928 को एस आर रंगनाथन ने। 44 नंबर, रामानुज द मैन एंड मैथमेटिक्सियन पुस्तक के लेखक कौन है तथा यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी तो एस आर रंगनाथन है और यह पुस्तक जो है 1967 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, अ बिब्लियोग्राफी ऑफ द राइटिंग ऑन द एंड बाय एस आर रंगनाथन पुस्तक के लेखक कौन है तो राइट आंसर है AK दास गुप्ता। अगला प्रश्न है 46 नंबर, रंगनाथन ने
1931 में किस अखबार में अपने आलेखों में छद्म नाम का उपयोग किया तथा वह छद्म नाम क्या था? तो हिंदू अखबार में किया था और नाम लिब्रा था। अगला प्रश्न है, 47 फाइव फ्ला ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक किसकी है तथा कब प्रकाशित हुई? राइट आंसर एस आर रंगनाथन 1931। आगे देखते हैं 48 नंबर, इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है तथा कब प्रकाशित हुई तथा इसको किसने प्रकाशित किया? तो राइट आंसर एस आर रंगनाथन 1990 ABC पब्लिकेशन न्यू दिल्ली के द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया गया। 49 अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है तथा इसे तथा इस पुस्तक को संपादित किसने किया? तो एस आर रंगनाथन के लेखक हैं, एस आर रंगनाथन है और जो है पी एन कोला ने संपादित किया। अगला प्रश्न है 50 नंबर, हर पाठक को अपनी आज़ादी पुस्तक पुस्तकालय विज्ञान का छठा नियम किसने बताया तथा कब बताया? तो जे आर रेटिंग 1952 में बताया। दोस्तों एक दो क्वेश्चन शायद और हैं, उसको देख लीजिए, एक्स्ट्रा जो है टाइपिंग हो गया है। आगे है, पुस्तकालय विज्ञान का छठा नियम, हर पाठक का अपना पुस्तकालय तथा सातवां नियम, हर लेखक का अपना योगदान है, यह पुस्तकालय विज्ञान के दो नियम किसने बताए तथा वह किस देश के थे? तो कोरोमन और पैकमैन पेवी ने, जो कि फिनलैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र नियमों को पुनः संशोधित किसने किया था तथा कब किया? तो जिम थॉम्सन ने 1992 में किया। अगला प्रश्न, रंगनाथन के बचपन के गुरु एडवर्ड बी रोस का संबंध पुस्तकालय विज्ञान के पांच नियमों में से किस नियम से है? तो उत्तर है पहला नियम, पुस्तक के उपयोग के लिए है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये केबी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कितना सरल कितना हल्का लेकिन कितना गहरा पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र के बारे में यह वाक्य किसने कहा था? तो एस आर रंगनाथन ने ही कहा था इस चीज़ को और ये भी KBS के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों समाप्त होता है ये वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।